हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 2 अप्रैल के असली पेपर में। बच्चों, ये रियल लीक पेपर है, सामाजिक विज्ञान का 100% जेन्युइन पेपर है। इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। पूरा कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर हम बच्चों आप सभी के लिए लेके आए हैं। देखो, इस वीडियो को पूरा देखने के पीछे कुछ रीजन्स है, 3 रीजन्स है इसके पीछे। पहला रीजन ये है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने स्कूल का नाम रोशन करना, पूरे जिले में टॉप करना, A ग्रेड या A+ ग्रेड लेके आना। क्योंकि बच्चों, हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं लीक पेपर, रियल पेपर, असली लीक पेपर 2 अप्रैल का, यानी 2024 में जो बोर्ड परीक्षा होगी कक्षा 8वीं का, उसका असली पेपर हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है, समय 2.5 घंटे का रहने वाला है और दोपहर लगभग 2 बजे से आप सभी के पेपर रहेगा, तो हूबहू यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा ये रीजन है कि भाई, आप सभी को 50,000 प्राप्त करने हो तो, यानी 50,000 का आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अगर आपके ए या ए प्लस ग्रेड आ गया सामाजिक विज्ञान में, तो आप सभी को 50,000 का लैपटॉप जो 100% जो है मिलने वाला है, तो आप सभी को वो लैपटॉप जो है मिल जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान के तौर पे आप ये चीज कर सकते हो। और थर्ड मेन चीज, आप सभी को ये चीज देखनी है बच्चों कि भाई, नवोदय इसमें जो मतलब राजस्थान कक्षा 8वीं का ये जो पेपर है, इसमें 100% आपको हम उत्तर कुंज के साथ एक एक प्रश्न बताएंगे। इसमें से एक भी प्रश्न आपके जो है बाहर नहीं जाने वाला, हूबहू ब्लू प्रिंट के साथ ये पेपर लेके आए, सारे प्रश्न इसी में से आएंगे। चलिए, बिना वक्त गवाए ये 3 रीजन बता दिए। अगर आपको इन 3 रीजनों में से कोई भी रीजन अगर आपको चूज करना है, मान लो आप अगर इतने होशियार भी नहीं हो, मीडियम बच्चे भी हो, तो भी आप इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। यानी आपको पास भी होना है तो भी यही पेपर है, और अगर आपको टॉप करना है तो भी यही पेपर है। यानी असली पेपर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो वीडियो पूरा दिखेगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अपन आप सभी के पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था क्या? उद्देश्य था बच्चों हुडा सम्मेलन बुलाने का, हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। ठीक है, राजस्थान में जो मराठा शक्ति बढ़ रही थी दिन पर दिन, छत्रपति शिवाजी जो है मराठा शक्ति को बढ़ा रहे थे, तो उस चीज को रोकने के लिए जो है यहाँ पर राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन का जो मतलब आयोजित किया, एक मीटिंग जो है आयोजित की थी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी प्रथम गवर्नर जनरल, यानी अभी जैसे मान लो प्रथम जो मतलब कहने का मतलब गृह मंत्री होते हैं, उस प्रकार से पहले जब अंग्रेजों का अपने अधिकार था तब गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा का संबंध है झारखंड से, किससे है बच्चों? झारखंड से। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी न्यायपालिका, ये तीनों ही कार्य जो है न्यायपालिका करती है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो बच्चों होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और वो सब जो मिलकर बनते हैं वो राष्ट्रपति को बनाते हैं, और विधानसभा का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, और वो सब मिलकर जो है इसको राज्यपाल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में सत्ताधारी का दल का मुख्य प्रधानमंत्री। और वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है साथियों? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ अब तक आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, 6ठे क्वेश्चन के बारे में, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? गाइस, उपयोग सभी, यानी सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, ज्वारी ऊर्जा भी है, तो उपयोग सभी जो है नवीकरणीय संसाधन है। फिर बात करते हैं 7ठे क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, मानव निर्मित संसाधन कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस जो है मानव निर्मित संसाधन नहीं, यानी पुल भी मानव यानी इंसान बना सकता है, सड़क भी बना सकता है और मशीन भी बना सकता है, लेकिन प्राकृतिक गैस जो है मानव निर्मित संसाधन नहीं है। फिर बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सहरिया जनजाति को। फिर बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, यानी सुमेलित कीजिए, तो पहले में क्या आ जाएगा? मस्केट। मस्केट क्या आ जाएगा साथियों? यहां पर यह आ जाएगा, देखो इसको मैं पहले इसको हल्का सा पतला कर देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा, पहला आ जाएगा मस्केट, तो मस्केट आ जाएगा पैदल सैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकें। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा मैचलोक, तो मैचलोक यहां से आ जाएगा बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। फिर तीसरा है मुफ्ती, मुफ्ती हो जाएगा ए में मुस्लिम समुदाय का न्यायवादी। फिर चौथा है महाभियोग, महाभियोग हो जाएगा किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप, ये राइट आंसर हो जाएगा 9वें का, यानी पहले का यहां पर डी, और इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वें क्वेश्चन में बात करते हैं हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ठीक है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, हाँ। ठीक है, इसका राइट आंसर इसमें हाँ आ जाएगा। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, नहीं, दूसरे का ये आ जाएगा। फिर तीसरा है खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हाँ। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, तो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर भी देखो मैंने बता दिया आपको, हम साथ में देंगे, तो इसका उत्तर भी आगे आपके लिए लिखा गया हुआ है। ठीक है, हमने बहुत मेहनत की है ये पेपर आपको देने में, तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? देखो आप पढ़ लेते हैं अपन, वह कानून जिसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी भी श्रमिक का मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम वेतन कानून कहलाता है। देखो न्यूनतम वेतन कानून
हिंदुस्तान में लागू नहीं होता है, स्ट्रिक्टली हिंदुस्तान में लागू नहीं होता है। जो सिटीज़ होती दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता वहाँ पे लागू हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली ये लागू नहीं होता है। लेकिन ये अमेरिका या जो विदेशी देश है इंग्लैंड ब्रिटेन कैलिफोर्निया ठीक है उन देशों में जो है स्ट्रिक्टली लागू होता है और कम से कम उनको वेतन जो है न्यूनतम वेतन देना ही पड़ता है। फिर 12वां क्वेश्चन देखिए उसका जीवन चलाने के लिए है ना। 12वां क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण आवश्यकता के कोई दो कारण लिखिए। वर्तमान में भारत के कई भागों के समाज में महिलाओं को उचित अधिकार प्राप्त नहीं हुए, उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता है। दूसरा महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर 13वां क्वेश्चन देखिएगा आपके इस प्रकार से आएगा और आपको इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखोगे, हमने उत्तर भी आपको मतलब लिख के बताया हुआ कि भाई आप अगर इस प्रकार से उत्तर लिखोगे तो 100 में से पूरे में से पूरे आपको आंसर जो है ये आने ही वाले हैं ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखते हैं, सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था? क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि उन नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। ये इसका अगर आप इस प्रकार से उत्तर लिखोगे दो में से दो नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्यों? क्योंकि भीलवाड़ा संपूर्ण भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है ठीक है। यानी कपड़े अगर खरीदने हैं तो आप भीलवाड़ा से खरीद सकते हो। फिर बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि यूरोप में नील की अच्छी मांग थी, वहाँ कपड़ों को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नील की खेती वालों को ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देती थी। निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। निर्वाह कृषि का पहला प्रकार हो जाएगा गहन और दूसरा हो जाएगा आदिम। तो पहले का अपन वर्णन करते हैं गहन का। इस प्रकार की कृषि में कृषक भूमि के छोटे से टुकड़े पर साधारण औजार व अधिक श्रम की खेती करता है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। दूसरा हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में क्या हो जाएगा? इस आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और वनवासी पशुचारण को सम्मिलित किया जाता है। फिर 17वां क्वेश्चन देखिएगा, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। देखो उद्योग शब्द का अर्थ, उद्योग मानव की एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। फिर दूसरा है कच्चा माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों का निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला होगा कृषि आधारित उद्योग, दूसरा होगा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा होगा समुद्र आधारित उद्योग और चौथा होगा वन आधारित उद्योग। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, कल्पना चावला यानी कल्पना कीजिए कि सॉरी ये कल्पना चावला का नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। कल्पना यानी होप कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय दीजिए। चलो अपन राय देते हैं ठीक है। पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवार के बच्चे पाठशाला जा सकते थे क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील थी। दूसरा नियमित हाजिरी नई व्यवस्था के अनुशासन की मुख्य मांग थी। यह हाजिरी फसल काटने के समय भी जरूरी है जबकि गरीब परिवारों के बच्चों को खेती में काम करना पड़ता है ठीक है। दूसरा प्राथमिक शालाओं में, इसमें थोड़ा अच्छे से लिखना होगा ताकि आपके पूर्व में पूरे नंबर आए है ना। प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे क्यों? दो कारण लिखिए। अशिक्षित माता पिता बच्चों की शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते थे और वे अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते थे। फिर दूसरा ये आ जाएगा, आज भी देश में 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है, इसलिए इन परिवारों के बच्चे अपने परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग देने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य करने में लग जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अपन पूर्ण करते हैं ठीक है। पहला, कौन सी राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? भारतीय जनता पार्टी। और केंद्र सरकार में? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। दूसरा आपके आएगा, आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, नोट छात्र अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम लिखिए। अब इनके जैसे विधायक हो गए, अब हमारे हरी सिंह रावत है तो आप जिसको भी होगा वो लिख सकते हो ठीक है। केंद्र सरकार यानी वो कौन है? हमारे दिव्या कुमारी, तो वो आप लिख सकते हो। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? कांग्रेस। कांग्रेस अगले चुनाव कब होंगे? यहाँ पर 2028 में और इसमें 2024 में ठीक है, विधानसभा चुनाव। तो वो जो भी अपना वो जो सीन है उस हिसाब से आप लिख सकते हो ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समतापारक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसमें हाशिए समुदाय की पहचान प्रतिष्ठित हो। राजस्थान के मानचित्र पर दर्शाइए बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा। चलो अपन दर्शाते हैं। देखो भरतपुर यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा।
पाली, यहाँ पर ये पूरा पाली का क्षेत्र है, ये बाड़मेर का क्षेत्र है और ये बांसवाड़ा का क्षेत्र है। अगर आप चारों को अगर राइट करते हो तो आपके चार में से चार नंबर आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको फिर से दर्शा के बताता हूँ, देखो ये राजस्थान का मानचित्र है, इसमें सबसे पहले ये भरतपुर हो गया, ये पाली हो गया, ये बाड़मेर हो गया और ये बांसवाड़ा हो गया, इस प्रकार से आपको दर्शाने हैं। फिर 22वां क्वेश्चन आप सभी का 8 नंबर आएगा, तो आपको अपने को इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है। कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ, नीचे दिए गए तीन प्रश्नों में से दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने अनिवार्य होंगे और दोनों के अगर आपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे दिए तो 4+4 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखिए। सफलता और असफलता पर अपने विचार अपन लिख सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति में क्या है अपन शुरू करते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्राय समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी रियासतों का शासन चलाने की छूट दी गई। भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के सम्मान करने का भी फैसला लिया गया। ये जो है यहाँ पर 1857 का हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से लिखिए। चलो अपन इसका विस्तार से लिखते हैं। भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत योगदान रहा है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लौटते ही स्थानीय कुरीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के माध्यम से लोगों को समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास किए। उन्होंने 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ देकर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। गांधी जी के अहिंसा आंदोलन से प्रेरणा लेकर लोगों ने अंग्रेजों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों के एकाधिकार को चुनौती दी। उन्होंने अमीर गरीब ऊंच नीच छुआछूत को दूर समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। अहिंसा के सहारे उन्होंने अंग्रेजों को झुकाकर भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। फिर अगला है रोलेट एक्ट पर विस्तार से लिखिए। ये भी आप कर सकते हो, वैसे हमको दो ही करने थे लेकिन इसको भी अपन पढ़ा सकते हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया था। ये एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। इस कानून का संपूर्ण देश में विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं से मिलकर 6 अप्रैल को हड़ताल किया, जिसे रोलेट एक्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा साथियों 23वां क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, 8 नंबर का आएगा ये 23वां क्वेश्चन, 4+4 नंबर का होगा। जय मंडल और पारितंत्र, ठीक है, जय मंडल और पारितंत्र। जैसे जय मंडल का अपन यहाँ पर देख सकते हो, जय मंडल और पारितंत्र। जय मंडल का ये है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव केवल स्थल मंडल और जल मंडल वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल के 3 घटक है, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा, खनिज पोषक तत्व कुछ गैसें व जल जैविक जीवन के लिए 3 मूलभूत आवश्यकता है। वायुमंडल जैविक जीवन के आवश्यकता और गैसों का भंडार है तथा महासागर तरल जल का प्रमुख भंडार है। पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणुओं को सहित मानव पर्यावरण के 3 जैविक घटक होते हैं। ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता है। ऊर्जा प्रत्येक प्रकार के जैविक घटक के जीवन और पुनरुत्पादन के जरूरी है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख होता है। पारितंत्र कहते हैं, पारितंत्र से आशय है उस तंत्र में जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण एवं एक दूसरे का आश्रित होते हैं। जीवधारियों की इस आपसी और आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता अपघटक सम्मिलित होते हैं, जबकि अजैविक घटक में वायु, जल, सौर ऊर्जा, तपाश, प्रकाश, मृदा आदि होते हैं। अथवा भूस्खलन क्या है, यह क्यों होता है, भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। भूस्खलन का पहला यहाँ पर आप क्वेश्चन का लिखिए, सामान्य रूप से। हाँ जी, तो बच्चों आप ये अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, भूस्खलन वाला। अब मेरे पास क्या वक्त की कमी होने के कारण मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को निपटाऊंगा अंत के साथ ही, इसके आंसर की और भी कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा। देखो इस पेपर का PDF डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे स्टडी विलेज सर्च कर सकते हो। पेपर का ये फोटो कैसे डाउनलोड करोगे वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखें। संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उत्तर है इसका। संविधान, देखो संविधान क्या होता है, कानून। कानून क्या होता है, नियम। जैसे मतलब अपने को कुछ नियमों के हिसाब से, उनके सरकार के नियम के हिसाब से अपने को जो है चलना पड़ेगा, इस तरीके से ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। फिर अगला है धर्म निरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ है, ठीक है, ये धर्म निरपेक्षता हो गई। फिर 25वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए 3 प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसा पहला प्रश्न हो गया, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। दूसरा हो जाएगा, सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख करें, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर यहां पर सामुदायिक, ये इस प्रकार से पूरा पेपर हमने आप सभी को बता दिया, 25 के 25 क्वेश्चन और हूबहू यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो वीडियो में शायद आपको अच्छे से समझ में ना आया हो या अच्छे से आप हर एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं देख पाए हो, तो इसका अपन आप ये पेपर का फोटो कैसे अब इसमें से स्क्रीनशॉट लोगे वीडियो में से, तो भी आपको
वजह नहीं आएगा कहने का मतलब है ना। तो आप इसका पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो, इसके फोटो कैसे डाउनलोड कर सकते हो, चलिए गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे आपके मोबाइल में नॉर्मल गूगल जरूर से होगा, उस गूगल पे आप सभी को सर्च इंजन पे क्लिक करना है और सर्च करना है STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज, ठीक है, ये आपको सर्च करना होगा। ये स्टडी विलेज का होम पेज का बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप सभी को होम पेज के बटन पर क्लिक करना है स्टडी विलेज के, यहाँ पर ये मैंने स्टडी विलेज का होम पेज पर बटन किया। तो यहाँ पर जैसे आप स्टडी विलेज के होम पेज के बटन पर आओगे, यहाँ पर आप पूरा का पूरा राजस्थान कक्षा 8वीं के सारे 6 के 6 पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो 100% जेन्युइन आप जो है पेपर का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर से करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों जल्दी से गूगल पर स्टडी विलेज सर्च करें, उस पेपर का पीडीएफ जो है जरूर से बच्चों डाउनलोड कर लें।